सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि हम रेडियो बटन कैसे क्रिएट करेंगे जेटपेक कंपोज के अंदर। और सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा इजी होना है रेडियो बटन क्रिएट करना जेटपेक कंपोज के अंदर। देखो, मुझे करना है यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ, और सबसे पहले आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है यहाँ से, जिसका नाम रखते हैं मान लो रेडियो बटन स्क्रीन करके। यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया। अभी देखो, एक फ़ाइल क्रिएट यहाँ पर हो चुकी है। सबसे पहले आपको एक कंपोजर यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है, जिसका नाम क्या है, रेडियो बटन स्क्रीन करके। तो देखो, अभी मैं एक फाइल क्रिएट कर चुका हूँ। देखो, अगर आपको एक रेडियो बटन क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पहले बॉक्स क्रिएट कर दो यहाँ पर, जो फिल मैं साइज़ पास करता हूँ, और जो इसका कंटेंट अलाइनमेंट है वो सेंटर यहाँ पे पास कर दो। देखो, इतना चलो मैंने काम कर दिया। अगर आपको रेडियो बटन क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या होता है, कंपोजर फंक्शन होता है ऑलरेडी, जिसका नाम क्या है, रेडियो बटन करके होता है। सो यहाँ पर आएंगे, रेडियो रेडियो बटन करके यहाँ पे होता है। अब ये बोलता है ना कि भाई मैं अभी बेसिकली ना दो मैंडेटरी पैरामीटर लेता हूँ, पहला आपका सेलेक्टर और एक ऑन क्लिक। यहाँ पे देखो, सेलेक्टर का मतलब यहाँ पे जो है ना, ये बूलियन वैल्यू लेता है यहाँ पर। अब ये इंडिकेट करता है कि आपका जो रेडियो बटन सेलेक्टेड है कि अनसेलेक्टेड है यहाँ पर, तो उसको हमें पास करना पड़ेगा। और ऑन क्लिक पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सेलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम लोग काम करेंगे। देखो, अभी मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले करता हूँ एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम क्या है, मान लो रेडियो स्टेट करके यहाँ पर लेता हूँ, जो बाय रिमेंबर यहाँ पर है, और इसको बोलते हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ करके। ये मान लो अभी बाय डिफॉल्ट फॉल्स है यहाँ पर। तो देखो, अभी इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। अब देखो, इस रेडियो जो स्टेट है मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक बूलियन वेरिएबल है यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक के क्या कर सकते हैं हम लोग, इस रेडियो स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, अभी अगर मान लो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देंगे, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। इस तरीके से बेसिकली काम होता है। अब अगर ना इस रेडियो बटन को यहाँ मेन एक्टिविटी में कॉल भी आप कर सकते हो, रेडियो बटन स्क्रीन करके यहाँ से, आप एक बार इसको रन कर लो यहाँ पे। देखो, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुका। अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया ना, इक्वल टू ऐसे पास करना है यहाँ पे, तब ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। और इसको वैल बना पहले बनाना पड़ेगा। तो चलो, हो गया। अब इसको एक बार दोबारा रन कर लो यहाँ से। तो देखो, हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको क्लिक करके सेलेक्ट अनसेलेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो देखो, ये हमारी बात जो होगी ना, ये एक सिंगल रेडियो बटन की होगी। बट सपोज मान लो कि अगर आपको एक ग्रुप ऑफ रेडियो बटन क्रिएट करना हो, जिसमें मेल फीमेल जेंडर ये सब चीज़ें आ जाए, तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करें जेटपेक कंपोज के अंदर। देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा हमें काम नहीं करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से एक एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी, एक ईच रो क्रिएट करना पड़ेगा रेडियो बटन के लिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है, अगर मुझे मेल फीमेल और ये अदर बनाना है यहाँ पर, इस टाइप का जेंडर का मुझे कोई रेडियो बटन क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, कस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या कर दो, इसको यहाँ से ना कॉमेंट डाउन कर दो यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पर कॉमेंट कर लो पहले। तो अब मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना मुझे एक लिस्ट ऑफ डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या है, मान लो जेंडर करके यहाँ से, जो है बाय यहाँ पर रिमेंबर, रिमेंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। आप एक बार डू करके यहाँ पे लिस्ट ऑफ, जैसे क्या कर सकते हो, मेल यहाँ पे फीमेल यहाँ पास कर दो, और यहाँ पे अदर पास कर दो। तो ये एक मेरा लिस्ट ऑफ जेंडर हो चुका है यहाँ पे, जो मेरे को बस शो करना है यहाँ पे। इसके बाद क्या कर दो, एक और वेरिएबल क्रिएट कर दो, जिसका नाम क्या है, जेंडर स्टेट करके। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा राइट नाउ करंट जेंडर सेलेक्टेड है हमारा यहाँ पर। तो बाय करके यहाँ पे रिमेंबर पास किया, जो कि क्या है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ। और इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, मान लो बाय डिफॉल्ट करता हूँ मैं, मेल पास करता हूँ कि हाँ आपका बाय डिफॉल्ट जो मेल सेलेक्टेड होने वाला है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम कर दिया। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है, मुझे इस जो रेडियो बटन दिखाना है यहाँ पे, उसका एक ईच रो क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा नहीं करने वाला कि हाँ तीन रेडियो बटन क्रिएट करूँ, वो कोड बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं करूँगा एक सिंगल एक रो क्रिएट कर दूंगा, एक सिंगल रो क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर। अब लूप चला गया करूँगा वहाँ पर, जो भी डेटा पास करना हो हम लोग पास कर लेंगे यहाँ पे। देखो, उसके लिए मैं क्या करने वाला यहाँ पे, तो चलो एक कंपोजर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दो, इसका नाम क्या है, रेडियो ईच रो करके। इसका दिखने वाला कैसा है यहाँ पे। अब ये कुछ अपने अंदर पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर क्या है इसका, सेलेक्टर। ये सेलेक्टर लेने वाला है कि हाँ कौन सा राइट नो सेलेक्टेड है हमारा जेंडर। अब सेकेंड क्या है, टाइटल, टाइटल लेगा स्ट्रिंग करके। और जो थर्ड पैरामीटर होने वाला है ना, वो क्या होगा, ऑन वैल्यू चेंज। मतलब मैं क्लिक करके उसकी वैल्यू को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे होगा। तो उसके लिए करना पड़ेगा हमको, हाई ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, जो क्या करेगा, अपने अंदर स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेगा। तो क्या कर दो, ऑन वैल्यू यहाँ पर चेंज पास कर दो,
यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेगा और यहाँ से यूनिट कर दो यहाँ पे, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो क्या करना, अगर मुझे रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट करना तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे रो क्रिएट कर लो, ठीक है। रो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इस रो के अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे मुझे करना पड़ेगा एक, मान लो मैंने रेडियो एक बटन दे दिया यहाँ सबसे पहले, तो अब इस सेलेक्टर में सेलेक्टेड पास कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि ये अभी बूलियन वैल्यू की सेलेक्टेड है कि नहीं है, यहाँ पर ये पास कर दो। अब ऑन क्लिक में क्या कर दो, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो राइट नाउ, तो ऑन वैल्यू चेंज होता क्या कर दो, इस टाइटल को पास कर दो। क्यों, अब मैंने बोला कि भाई जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा उसकी टाइटल की वैल्यू अपडेट होने वाली, कौन सा टाइटल है राइट नाउ। अब यहाँ पर आओ, एक टेक्स्ट यहाँ पर बना दो जो कि क्या करेगा, टाइटल लेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आओ एक मॉडिफायर पास करके, जो मॉडिफायर डॉट अलाइन कर देंगे यहाँ पर सेंटर वर्टिकली, ये हमें बस यहाँ पे पास करना है। तो आई थिंक और मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा एक जो ईच रो था वो क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है कि मेरे को मेल फीमेल और जो अदर के जेंडर है ना उसको यहाँ पे शो करना है। देखो उसके लिए यहाँ पे क्या करो, कुछ मत करो, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दो, एक यहाँ पे रो क्रिएट करो, बिकॉज मुझे रो के अंदर इस चीज़ को शो करना है। यहाँ पे रो क्रिएट कर दिया, ठीक है परफेक्ट। अब मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर, फिल मैक्स विड्थ यहाँ से प्रोवाइड करवा दिया। अब फिल मैक्स विड्थ कर दो यहाँ पे ना, जो उसका हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है क्या कर दो यहाँ पर, स्पेस इवनली पास कर दो, तो यहाँ पे स्पेस इवनली जो बेटर रहेगा, यहाँ पे इक्वल स्पेस ले लेगा यहाँ से। अब क्या करना है यहाँ पर, मुझे एक लूप चलाना है यहाँ पे, मतलब देखो मुझे क्या करना है, मेल फीमेल और अदर क्रिएट करना है यहाँ पे, तो मैं करूँगा इस जेंडर से एक लूप चला दूँगा यहाँ पे, तो करो जेंडर पास करो डॉट फोर ईच लगा दो यहाँ से, लगा दिया परफेक्ट। अब क्या करना है यहाँ पे, इस रेडियो जो ईच रो बनाया था यहाँ पर इसको कॉल किया। अब मुझे सेलेक्टेड ने बताना है, देखो मैं चाहता हूँ सेलेक्टेड कैसे हम लोग कॉल करेंगे, देखो सेलेक्टेड के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं कहूँगा कि बाय डिफॉल्ट तो हमारा मेल सेलेक्टेड है, ठीक है, तो क्या करो पहले तो कि जो ये जेंडर स्टेट अगर इक्वल टू इट के आता है, मतलब जेंडर स्टेट अगर इक्वल टू इट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो यहाँ से जेंडर आ रहा है और जो जेंडर स्टेट में वैल्यू बैठी है पहले से वो क्या इक्वल है, तो क्या कर दो उसको ट्रू कर दो यहाँ पर, तो वो सेलेक्टर हो जाएगा। और टाइटल में जाने के क्या करना पड़ेगा हमको, टाइटल में तो वही पास करना पड़ेगा, इट पास करना पड़ेगा, और ऑन वैल्यू चेंज यहाँ पर आने वाला है। तो ऑन वैल्यू चेंज के लिए क्या करो, यहाँ पर यहाँ जाओ और इसको डेटा ऐसे पास कर दो, और इस जेंडर स्टेट के अंदर ही डेटा पास कर दो, मतलब जिस रेडियो बटन पर क्लिक करूँगा उसकी वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी जाके, इस तरीके से कहने का मतलब है यहाँ पर। तो आई थिंक ये सब कुछ बन चुका है मेरा, और कुछ यहाँ पे मुझे नहीं करना होगा। एक बार करते हैं इस एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। उससे पहले देखो क्या करना है यहाँ पे, एक चीज़ देख लो यहाँ पर कि जब रेडियो बटन पे क्लिक करूँगा ना तो आपको सेलेक्टर ऑन के लिए ये चीज़ें हैं पहले से, बाकी मॉडिफाई में कुछ करना तो कर सकते हैं यहाँ पे। इनेबल का मतलब ट्रू का मतलब क्या है कि हाँ ये बेसिकली इनेबल्ड है, इस पर हम कुछ क्लिक परफॉर्म कर सकते हैं, अगर फॉल्स कर देंगे तो क्लिक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कभी भी। अब देखो कलर्स की बात आती है, तो कलर्स बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको कुछ कलर्स इसमें देना है दे सकते हो, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो बोलेगा सेलेक्टेड कलर, अनसेलेक्टेड कलर, डिसेबल कलर, तो ये कुछ तीन टाइप के कलर्स होते हैं इसके पास। तो देखो अब क्या करता हूँ, एक बार एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो देखो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुका है। अब देखो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिला मेल सेलेक्टेड है, अब इस पर करूँगा तो फीमेल सेलेक्टेड और अदर सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो कितने कम कोड के अंदर, कितने लेस कोड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस को जेट पे कंपोज में क्रिएट कर दिया। अगर कंपेयर करोगे एक्सएमएल के साथ तो कितना सारा हमको बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है उसके लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाँ हम रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं जेट पे कंपोज के अंदर।